नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेशनल शेफ डे के बारे में। मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूं इंटरनेशनल शेफ डे क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, किसने इसे स्टार्ट किया था, पर मैं ये ज़रूर आपको कहना चाहूँगा कि रियल शेफ डे का मकसद क्या होना चाहिए। जी हाँ, शेफ डे के अंदर जो शब्द है वो शेफ है, और जब तक शेफ इम्पावर नहीं होगा, शेफ के पास नॉलेज नहीं होगा, शेफ कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपने भी अभी कुछ समय पहले, 2-3 दिन पहले शेफ डे सेलिब्रेट किया होगा, अपने बिलव्ड शेफ लोगों को फोटो शेयर करी होगी, मैसेज भेजे होंगे। मेरे पास भी कई मैसेज आए, कुछ लोगों ने केक काटते हुए फोटोएं खींची होंगी और लोगों को शेयर करी होंगी। और बड़े ही अच्छा लगता है कि हम लोग अपनी कम्युनिटी के लिए एक डेडिकेटेड कोई एक दिन मना रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर्स डे होता है, इंजीनियर्स डे होता है, उसी प्रकार से हम लोग शेफ डे मना रहे हैं। पर अगर इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की बात करें, वो एक अलग तबका हो जाता है, उनका जो स्टैंडर्ड है हम लोग उससे थोड़ा हाई हो जाता है। पर यहाँ पे जो शेफ है वो इम्पावर ही नहीं हो पा रहे। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा अभी हम लोग बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं अगर हम शेफ लोगों की बात करें। हमें एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, और यही मकसद किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का, अगर हम लोग शेफ डे मना रहे हैं या शेफ लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमको इनको एम्पावर करना होगा, तभी जाके इस शेफ डे को मनाने का मकसद पूरा होगा। अगर आप कोई भी डे मना लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि उसमें काम करने वाला बंदा, चाहे हम लोग एक कौमी हो, एक शेफ हो, एक शू शेफ हो, एग्जीक्यूटिव शेफ हो, एक कौमी थ्री हो, एक स्टूडेंट हो, एक ऐसा बच्चा जो स्कूल्स में है हो, वो शेफ बनना चाहता हो, जब तक वो एम्पावर नहीं होगा, इस डे को मनाने का मकसद कभी भी पूरा नहीं होगा। अब ये एम्पावरमेंट क्या है, सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता होता कि हम एम्पावर होंगे कैसे, और जिसको पता है वो आपको बताना ही नहीं चाहता है। जी हाँ, ये भी सच्चाई है, हमें पहले यही नहीं पता कि हम एम्पावर कैसे होंगे, और जिसको पता है वो बताना ही नहीं चाहता। अब यहाँ पे जो मैं एम्पावरमेंट की बात कर रहा हूँ, उसका मकसद क्या है, या क्या एम्पावरमेंट होती है। एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि आपके पास नॉलेज हो, आपके पास एजुकेशन हो, आपके पास स्किल्ड हो, आप फिज़िकली फ़िट हो, आप मेंटली फ़िट हो, आप हेल्थी हो, और आपके पास पैसा भी हो। जब ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास होंगी, आपके पास पोजीशन भी हो, आपके पास नाम भी हो, जब ये सारी की सारी चीज़ें होंगी, तब जाके बोला जा सकता है कि भाई एक शेफ एम्पावर हो रहा है। अब जो भी कुछ लोग थोड़े एजुकेटेड हो जाते हैं, वो इस एम्पावरमेंट के पीछे भागते हैं और वो सहारा लेते हैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का या किसी एक शेफ के पीछे लग जाते हैं कि भाई मैं इस शेफ के साथ रह लूँगा तो मैं भी एम्पावर हो जाऊँगा, मेरे पास भी पैसा आ जाएगा, नाम आ जाएगा, मेरी भी पोजिशन बढ़ जाएगी। और इससे जो पहला वाला ऑप्शन मैंने बताया ऑर्गेनाइजेशन का, आप लोगों ने अभी कई सारे शेफ लोग देखे होंगे, बड़े बड़े कोट, बड़े बड़े तंगे, कई कई कॉम्पिटिशन्स करवा रहे हैं, पर क्या वो रियली में जो एक शेफ डे का मकसद पूरा कर पा रहे हैं? जी नहीं, वो शेफ डे का मकसद पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वो सिर्फ यहाँ पर अपनी खाना पूर्ति कर रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार की एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। जी हाँ, आपको किसी भी प्रकार की एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रही है, क्योंकि जब तक भी आपके पास और पर्टिकुलर हर एक बंदे के पास जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है, उसके पास वो एजुकेशन नहीं पहुंचेगी, वो कभी भी एम्पावर नहीं हो पाएगा। एक एजुकेशन ही एक वो ज्ञान का दीप है जो कि आपकी ज़िंदगी में उजाला ला सकता है। मेरी ज़िंदगी में उसने ही उजाला लाया है, वही एजुकेशन ने। आपके पास एजुकेशन होगी, आप हर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे, चाहे पोजीशंस वाइज हो, प्रमोशंस वाइज हो, पैसे वाइज हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, मेंटल हो, कोई भी आप पार्ट ले लीजिए अपनी लाइफ का, वो तभी आपके पास आप एम्पावर उसको कर पाएंगे। अब यहाँ पे दूसरा, जैसे मैंने बोला कोई शेफ के साथ आप कर लेंगे वो हमको एम्पावर करेगा, जी नहीं, मेरे पास भी कई सारे मैसेज आते कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, बट उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, उसका भी कोई मतलब नहीं बैठता है, जबकि आपके पास एजुकेशन नहीं हो। मैं आपको चीज़ें दे सकता हूँ, पर उनको ग्रैब करना, उनको अप्लाई करना, उनको एग्जीक्यूट तो आपको ही करना पड़ेगा, तभी जाके आपको रिजल्ट आएगा। बाकी जो स्कूल और कॉलेज है उनके हालात तो आपको मालूम ही है, वहाँ पे सिर्फ आपको स्किल्ड सिखाया जाता है, हम लोग स्किल्ड सीखते हैं, हमें खाना बनाना सिखाया जाता है, हमें होटल्स में खाना बनाना सिखाया जाता है, पर रियली में एम्पावर हम लोग नहीं हो पा रहे हैं। यही इस कम्युनिटी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हम लोग एम्पावर नहीं हो पा रहे हैं, सबसे गरीब हम रह जाते हैं, सबसे अनपढ़ हम रह जाते हैं, सबसे पिछड़े हुए हम लोग रह जाते हैं। एक शेफ जो एग्जीक्यूटिव शेफ भी बन जाता है, उसके बाद उसके पास एक नौकरी भी नहीं होती, और नौकरी के लिए दर दर भटक रहा रहता है, उसके बाद उसका कुछ नहीं होता है। जी हाँ, ये सच्चाई है।
और आधे से ज़्यादा इसमें ऐसे वो लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे थे, वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खोल के बैठ जाते हैं और उसके बाद वो लोग कंपटीशन करवा रहे हैं कि आप इसमें पार्ट लीजिए और हम आपको एम्पावर करेंगे। जो खुद ही एम्पावर नहीं हो पाए वो आपको एम्पावर करते हैं, और जो नए बच्चे आते हैं उनको लगता है कि इन्होंने बड़े बड़े कोट पहन लिए, बड़े बड़े तंगे लगा लिए, उससे वो आपको कुछ आगे सही दिखा पाएंगे। बट नहीं, एजुकेशन ही एक चीज़ है जो कि आपको आगे बढ़ाएगी। आप मेरे भी मत सुनिए, आप किसी की मत सुनिए, आप किताबों की सुनिए, किताबें आपको बहुत आगे लेके जाएंगी। दूसरा, यहाँ पे जो मेजर चैलेंजेस है हमारे इस कोस्ट इंडस्ट्री में वो है हमारी मैन पावर का। जो भी रेस्टोरेंट्स के ऑनर होते हैं वो यही मानते हैं, और ये सच्चाई भी है कि जो कि हमारी मैन पावर है वो टिक के काम नहीं करती है, रुक के काम नहीं करती है, छोड़ के भाग जाते हैं। जी हाँ, यही होता है, और उससे उनके रेस्टोरेंट बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो यहाँ मैं आप लोगों को, जो भी शेफ़ लोग हैं, जो भी कॉमी लोग हैं, उनको भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी 1,000 रुपये के लिए, 2,000 रुपये के लिए नौकरियाँ चेंज करते हो। मैं यहाँ पे किसी को ऑनर को अच्छा नहीं ठहरा रहा हूँ या मैं शेफ़ लोगों को अच्छा नहीं, एक कॉमन जनरल प्लेटफॉर्म पर मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एजुकेशन की बहुत ही ज़्यादा कमी है। और ऑनर्स को भी ये समझना होगा कि जब तक उनकी मैन पावर एजुकेटेड नहीं होगी, उनकी मैन पावर के पास नॉलेज नहीं होगा, वो आपके लिए भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। जब तक हम लोग अपने, चाहे हम लोग लेबर की तरह ही काम करें पर हम एजुकेशन के वाले पार्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे, तब तक हम लोग एम्पावर नहीं हो पाएंगे। और इस पूरी ही प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ एजुकेशन है, एजुकेशन है, एजुकेशन है। एजुकेशन आप कहीं भी से भी ले सकते हैं, बुक्स के माध्यम से ले सकते हैं, वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं, जो कि आपको एम्पावर करेगी, और तभी जाके आप अपनी लाइफ में, कैरियर में या रेस्टोरेंट बिजनेस में आप सक्सेस कर पाएंगे। और मेरे इस चैनल का मकसद, मेरा मकसद, मेरे जीवन का मकसद यही है, लोगों को एम्पावर करना। 2019 में सब कुछ नौकरी छोड़ छाड़ के मैं यही कर रहा हूँ, बाकी कई सारे और भी बिजनेस हैं जो कि फ्यूचर में आप लोगों को मैं बताते जाऊँगा। और जो भी मैं कर रहा हूँ, जैसे आप लोगों को देखा होगा मैं बुक सेल करता हूँ, अपने कोर्सेज सेल करता हूँ, तो मैं यहाँ आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि भाई ये चीज़ें भी होती हैं, ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। आप जो भी शेफ लोगो, आप एम्पावर होइए, अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाइए, और ये चीज़ भी करिए। जो जॉब कर रहे हैं तो करिए, बट ये चीज़ भी आप कर सकते हो। जब ये चीज़ आप करोगे आप और ज़्यादा एम्पावर हो जाएंगे। तो वीडियो का मकसद यही है, आप लोगों को एम्पावर करना, आप लोगों की दिमाग की बत्ती को जलाना, और उस बत्ती में ऐसा तेल भर देना एजुकेशन वाला जो कि आपकी रियल लाइफ को एक चेंज कर पाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आप भी कुछ इस वीडियो से कुछ लेसन लेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।